हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पल्स मैटर पर बहुत धीमी गति से सेबी का प्रोसीजर चालू है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे पास जो हमारी वीडियो पर कमेंट आए हैं, उन कमेंटों को लेकर आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे पास इस वक्त सबसे पहला कमेंट जो आया हुआ है वो विनय पांडे जी का है। विनय पांडे जी का कहना है कि सेबी बहुत धीमी गति से काम कर रही है, समय भी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहना है विनय साहब का कि सेबी इस वक्त इतना टाइम धीमी गति से लगा रही है, इतना टाइम बर्बाद कर रही है, जिससे निवेशकों का पैसा मिलना 10 साल में भी स्वाभाविक नहीं हो सकता। ये तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है बड़े निवेशकों के लिए, क्योंकि अभी 5,000 और 2,500 के प्रोसीजर में इन्होंने 3-4 साल काट दिए और आगे ना जाने कितने साल और लगाएंगे 10,000 के प्रोसीजर या 15,000 के प्रोसीजर में। तो दोस्तों, जिनका 50,000 और 1,00,000 से ऊपर है, उन निवेशकों को तो मैं कहूँ 15 साल बाद मिलने के चांसेस होंगे। और जब तक कौन जिए और कौन मरे, ये एक बहुत बड़ी इस वक्त विडम्बना हमारे सामने है। दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास अरविंद साहू का है। अरविंद साहू जी का कहना है कि सेबी चोर है, वह पैसा देना नहीं चाहती और ऑनलाइन अपने पैसा लेने के लिए हमें 70 नियम बताती है। दोस्तों, ये अरविंद साहब का बड़ा कमेंट, इन्होंने कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पीएसएल कंपनी में 70-75% ऐसे लोग हैं जो गरीब और कम पढ़े लिखे होने के कारण अपने आवेदनों को नहीं भर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं भर सकते, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी परेशानी को किसी के सामने नहीं बताते। कुछ ऐसे एजेंट हमने देखे हैं, क्योंकि अक्सर मैं जब कभी किसी एजेंट उससे पूछता हूँ, कस्टमर से, वो यही कहता है कि हमारे बॉन्ड तो ऐसे रख के, मैंने कहा यार प्रोसीजर चला था, क्यों नहीं लगाए तुमने, बोले कि यार कौन लगा रही है, कुछ इस तरीके से उनके ख्यालात हैं। मतलब साफ जाहिर है कि कुछ उनके अंदर ये धारणा है कि ऑफिस खुलते तो वहाँ जमा कर देते, फालतू के चक्कर में कौन पड़ रहा है, कुछ इस तरीके की सोच है। भले ही उनके 50,000 या 20,000 या 5,000 के बॉन्ड हैं, लेकिन रखे हैं, नहीं अपलोड किए। ज़्यादातर ऐसे निवेशक हमारे सामने हैं। आगे जो कमेंट है राम केशव राणा का है। राम केशव राणा का कहना है कि पल्स का पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा, सब मारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिस करेक्ट योर आंसर। इन्होंने जो आंसर जो इस वक्त हमारे सामने प्रश्न किया है, उसका आंसर इन्होंने खुद ही दिया है और कहा है कि किसी का पैसा नहीं मिलेगा, सब मारा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पैसे के प्रोसीजर को चलाया जा रहा है और उसके प्रोसीजर को 5,85,00,000 निवेशकों को इतना शॉर्ट कर दिया है, कहीं 1,00,000 देकर इतिश्री कर दिया है, कहीं 5,000 रुपये देकर 3,00,000 लोगों को छुट्टी कर दिया, तो कुछ ऐसा हिसाब चल रहा है। क्योंकि पिछला प्रोसीजर जो इन्होंने बंद किया 2,500 वाला, उसमें केवल 1,30,000 को दिया है, और ये 5,000 वाले में थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पर ज़रा 3,00,000 दिखा दिए गए हैं। जबकि दोस्तों, 5,000 के प्रोसीजर में कम से कम भी नहीं तो 2.5-3 करोड़ निवेशकों के आवेदन ज़रूर गए होंगे, उनमें से 2.5 या 3,00,000 लोगों को देना बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ कमियां पाई गई हैं, उन्हें सही कर लो, उसके बाद जिनका पैसा रह गया उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके की ये ट्रॉफी हमें बांट रहे हैं। खैर बहरहाल, हमारा काम देखना है और देखते रहेंगे, संघर्ष भी करते रहेंगे, ये सब तो चल ही रहा है। अगला कमेंट जो हमारे पास है रविंदर राघवल का है। रोहिंदर राघवल का कहना है कि भाई साहब पैसा कब मिलेगा। भाई रविंदर साहब, आपका कमेंट बहुत बड़ा है और आपके कमेंट को पढ़कर हमें यही कहना पड़ेगा कि बहुत कठिन है ये प्रश्न भैया। रविंद्र भाई, पूछो बारंबार। दोस्त, आज गारंटी से हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब तो सव्य ब्रह्मा महेश विष्णु के पास भी नहीं मिलेगा, और इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि प्रोसीजर के नाम पर झुनझुना हमारे हाथ में थमा रखा है और हम बजा रहे हैं उसको लिए हुए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त पल्स निवेशकों की बनी हुई है, और सभी निवेशक इस टाइम अपने पैसे को लेकर जितने हताश और निराश हैं, उसी के साथ साथ उनमें ये धारणा भी पैदा हो चुकी है कि शायद अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, मारा जाएगा। तो ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 8 साल का एक लंबा अरसा होता है, एक बड़ा
लंबे अरसे के बाद आदमी को पैसे मिलने की उम्मीद जब नहीं मिल पाता तो ख़त्म ही हो जाती है, तो ऐसे इनकी उम्मीद भी ख़त्म ही हो गई है। और ये उम्मीद हम लोग जगवा कर रहते हैं, जगा कर रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि निवेशकों में कोई मायूसी पैदा हो और उनमें कुछ इस तरह की भ्रम पैदा हो कि उनका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पैसा सभी का बहुत जल्द मिले। निरंतर सेवी भाग से भी संपर्क करते रहते हैं और आप लोगों को भी सूचनाएं देते रहते हैं। तो दोस्तों, हम तो खुद तो जाग ही रहे हैं, आप लोगों को भी जगाने के लिए हम जागे हुए हैं, क्योंकि पैसा हमारा भी है और पैसा आपका भी है। तो दोस्तों, पैसा तो हम ले कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और